नगर निगम की जनसुनवाई में हर बार की तरह इस बार भी लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे। इस मौके पर सुनवाई कर रहे नगर निगम के अपर आयुक्त प्रमोद शुक्ला ने कहा कि कुल 10-12 मामले आए, जिनमें से अधिकतर मामले शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से नाराज लोग शिकायत लेकर आए। देखिए, अभी तक लगभग 11 या 12 शिकायतें महत्वपूर्ण प्राप्त हुई हैं, जिनमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन की, पानी की सप्लाई की, वाटर सप्लाई की है, और एक अभी आई है गोश्त की दुकान हटाने की। अभी एक शिकायत का नेचर है कि 4 बिल्डिंग की परमिशन दी गई थी, 5वां माला बन रहा है। इसके अलावा गर्मी के दिनों में पीने का पानी न मिलने और अव्यवस्था से नाराज वार्ड क्रमांक 37 के पार्षद पति सुरेश साहू ने भी अपनी समस्याएं बताई। इसमें लगता है कि नगर निगम प्रशासन जो है सुस्त है बिल्कुल। कभी ठेकेदारों से कहते हैं साहब हमारा पेमेंट नहीं हो रहा, कभी कहते हैं साहब हमारे पास ऑर्डर नहीं आए, कभी कहते हैं किसी दबाव में काम रोक देते हैं, कभी कभी दबाव भी देते हैं इनके ऊपर, ऊपर के लोग जो हैं ठीक है रोको काम को, क्यों भैया ये रोकते हैं भाई। जनप्रतिनिधि आते हैं, जनप्रतिनिधि हम भी और भी हैं, पब्लिक का तो ये चाहती है काम हो, विकास हो, विकास में बहुत से लोग बाधा डालते हैं ऊपर के लोग। आज पानी की स्थिति मुझे ख़राब है, इसलिए शिकायत करने आया हूँ मैं। 4-4, 5-5 दिन में टैंकर बढ़ते हैं, पानी आने चाहिए 5 दिन के अंदर टैंकर दे रहे हैं पानी के, जबकि हमारे यहाँ अगले साल हमने 1 दिन बाद पानी टैंकर दिया था, आज 5 दिन पानी का टैंकर बाद दे रहे हैं टैंकर। पब्लिक कहती है साहब हम क्या करें, कहाँ जाएं, पानी की स्थिति अभी खराब और बिगड़ना है पानी की स्थिति, क्योंकि गर्मी जो है बढ़ेगी, पानी की डिमांड बढ़ेगी लोगों के यहाँ, पानी की स्थिति खराब है। दूसरी बात यह है कि मेरे यहाँ बारिश आ रही, नाले भरे हुए हैं, नालों की स्थिति बहुत खराब है, आने वाले दौर में बाढ़ आएगी। एक पुलिया का काम चल रहा है, वो भी महामारी का बाग डूब में जाएगा, उससे कितने को जल्दी निकलने नहीं हो पा रहा। इस बार हाइसिंग बोर्ड में भी स्थिति खराब है नाले की, अभी एक दिन पानी गिरा था रोड पर, पानी बह के चला गया। एक कुआ मैंने अपने श्री वास्तव जी आए थे हमारे कमिश्नर साहब, उनको ही मैंने बताया था कुआ नहीं पूरा, कभी बच्चा उस कुएं में गिर सकते हैं। मीडिया को भी बताया मैंने कई बार कि कुआ है इस बार हाइसिंग बोर्ड के अंदर वो खुला है और कभी भी कोई हानि हो सकती है वहाँ भी, उस पर भी नगर निगम प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है आज भी। नगर निगम अधिकारियों के निरंकुश रवैये से परेशान होकर लोगों ने गुहार लगाना भी कम कर दिया है, यही कारण है कि अब पार्षद भी निगम कार्यालय के चक्कर काटने में लगे हैं। कैमरा पर्सन परवेज खान के साथ हृदय धारवाड़ MSTV न्यूज़ भोपाल।